यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने हैं। वहीं उन्होंने अपनी मांग बताया है कि संदेश खारी को लेकर हुई घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। SDM के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं अपनी उनकी 6 सूत्रीय मांगों के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा। फतेहपुर जनपद से पब्लिक न्यूज चैनल जंग दिन की रिपोर्ट। ये मामला जो है पश्चिम बंगाल का है, वहाँ पे संदेश खाली एक स्थान है जो वहाँ पे बांग्लादेश के जो किनारे सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे जो सत्तावान पार्टी के मुख्य नेता शेख शाहजहाँ और उनके गुर्गे जो हैं वहाँ पे रहने वाली जो स्त्रियाँ हैं उनका यौन शोषण किया है और उनकी संख्या लगभग जो बताई जा रही है वो 100 से ज़्यादा है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो किसान हैं उन किसानों की ज़मीन का भी उन्होंने क्या किया है कि छीन लिया है, उस पर अधिग्रहण कर लिया है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग जो हैं यहाँ पे जिलाधिकारी के पास आए हुए हैं और इनको अपना ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद वो ज्ञापन जो है हम महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजना चाह रहे हैं ताकि जो भारत में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं इन घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। क्या नाम है? मेरा नाम जो है नरेंद्र हिंदू है। किन मांगों को लेकर? ये पश्चिम बंगाल में जो सबके संज्ञान में भी ये घटना आई होगी, शेख शाहजहाँ नाम का व्यक्ति है जो TMC का नेता भी है, ममता सरकार में उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत वहाँ पे करी है बंगाल में, जो राष्ट्रपति जी से हम लोग ये आग्रह करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और ममता सरकार को कहीं ना कहीं वह बर्खास्त करवाया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति केवल वही नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति है जहां हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार किया जा रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें कई मांगे हैं जो आपके संज्ञान में हम लोगों ने दिया भी इसमें, तो ये जो मांगे हैं सभी राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मांग करेंगे, इन पर कठोर कठोर कार्रवाई करी जाए। क्या नाम आपका? मैं राहुल अग्निहोत्री, बजरंग दल जिला से।